हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑटो राउंडर्स कार्स। आज जो गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं फॉर सेल इज दिस वॉल्वो XC90। सो गाइस, ये गाड़ी एक ऐसी कार है जिसको वर्ल्ड की सेफेस्ट कार बुलाते हैं, एंड एज पर कंपनी क्लेम्स आई डोंट थिंक कि अभी तक इस गाड़ी में किसी का भी एक्सीडेंटल डेथ हुआ है। और उसका रीज़न यही है कि इस गाड़ी में इतने सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं, प्लस ये गाड़ी का ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा है कि दिस हैज़ बीन अवार्डेड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एंड सेफेस्ट कार। सो इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉल्वो एक ऐसी कंपनी है जिसने सीट बेल्ट इन्वेंट किए थे, एंड फॉर द पब्लिक सेफ्टी दे नेवर हैड एनी पेटेंट एक्सेट्रा ऑन इट, बिकॉज वो चाहते थे कि इस चीज़ को बाकी सब कंपनी वाले भी यूज़ करें, तो उन्होंने कभी भी सीट बेल्ट पे पेटेंट नहीं रखा। एंड नाउ यू नो कि सीट बेल्ट कितने सेफ है, एंड वॉल्वो वॉज द वन हु हैड इन्वेंटेड। सो गाइस, 2016 की सिंगल ओनर ओनली 47,000 किलोमीटर ड्रिवन कार है, कम्प्लीटली फुल्ली मेंटेन कार है, इसमें कोई काम नहीं है। और इसकी चाबी भी आप देखेंगे तो इतनी अच्छी चाबी है, फुल लेदर रैप की है। दो चाबी है, एक ये कलर में है और एक ब्लैक कलर में, जैसे कंपनी से आता है। सो एज आई सेड, दिस इज 2016 मॉडल, सिंगल ओनर एंड ओनली 47,000 किलोमीटर्स ड्रिवन। अगर आप मार्केट में वॉल्वो ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ भी कम किलोमीटर वाली चली हुई गाड़ी मिलेगी नहीं, क्योंकि एक बार जो वॉल्वो लेता है वो उसको कम से कम 1-1.5 लाख किलोमीटर चलाता है। काफ़ी लोग तो कहते हैं कि ये प्रीमियम सेगमेंट की टोयोटा है, क्योंकि इतनी रिलायबल है कि 1-1.5 लाख किलोमीटर तक तो कोई इसे बेचता ही नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें, आई थिंक ये वीडियो भी शायद लंबा बनेगा, बट येस, पीपल हु वॉन्ट टू बाई दिस कार और इवन हु डोंट वॉन्ट टू बाई बट दे वॉन्ट नो अबाउट XC90, वी विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो सबसे पहले तो इसकी हेडलाइट जो है, इसको थॉर हैमर हेडलाइट बुलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो DRL है वो एकदम वैसे ही है, डिज़ाइन किए हुए हैं। दीज आर LED हेडलाइट्स। कंप्लीट ग्रिल आप देखेंगे तो क्रोम और प्लास्टिक का पूरा मिक्स है, बम्पर से लेके एवरीथिंग इट्स ऑल इंटैक्ट। इसमें कहीं पे भी कुछ काम किया हुआ वैसा नहीं है। हेडलाइट वॉशर्स है, द अलॉय व्हील्स आर ऑल्सो इन नीट कंडीशन, टायर्स भी काफ़ी अच्छे कंडीशन में मिशलिन के हैं, तो आपको टायर्स में भी कोई काम नहीं है। ऑटो फोल्ड मिरर है, साइड प्रोफाइल में भी आप देखेंगे तो छोटे मोटे स्क्रैचेस है, बिकॉज वी हैव केप्ट इट द वे इट इज़, एज इस कंडीशन में हम इस गाड़ी को बेच रहे हैं। पीछे की टेल लाइट भी कम्प्लीट प्रॉपर LED टेल लाइट फंक्शनिंग है। ऑल्सो इसकी जो डिक्की है उसको आप इससे भी खोल सकते हैं, चाबी से भी। सो इफ आई प्रेस दिस की तो डिक्की कम्प्लीटली अपने आप ओपन हो जाती है, और अगर मैं इसी बटन को दबा के भी रखूँ तो भी ये डिक्की ओपन हो जाती है। डिक्की में भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे फॉर स्टोरेज, तो ऐसा नहीं है कि 7-सीटर गाड़ी है तो डिक्की में जगह नहीं है, वैसा नहीं है। 7-सीटर कार है, यहाँ पे भी आप 2 सीट देख सकते हैं कि आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसको बंद करना है तो यहाँ पे भी एक बटन दिया हुआ है। सेकेंड बटन जो दिया है वो कितनी डिक्की खुलनी चाहिए उसकी हाइट के लिए दिया हुआ है। सो ओवरऑल द कार इज़ इन वेरी गुड कंडीशन, नीट कंडीशन में है। और मेन चीज़ जो इसका इंटीरियर है वो भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिसेंट कंडीशन में है, अभी भी अंदर बैठेंगे तो एक नई गाड़ी की फ्रेश फील आती है। सो गाइज, इसका इंटीरियर भी आप देखेंगे तो एकदम नीट कंडीशन में है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। सो ये प्रॉपर एक अच्छा से यहाँ पे बटन दिया हुआ है, काफ़ी गाड़ियों में जो आता है उससे हटके है, आपको इस तरफ उसको टर्न करना है एंड द कार स्टार्ट्स। कंप्लीट स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल है, उसमें भी दिखाता है कि अगर मैंने यहाँ पे बैठ के सीट बेल्ट नहीं पहना है तो उस वाली सीट को रेड कलर में दिखाता है, ये बताने के लिए कि डेंजर है, आपको सीट बेल्ट पहनना है। एंड द स्क्रीन, सो आपको पता है कि आजकल गाड़ियों में बड़ी स्क्रीन आती है, इवन काफ़ी लोग टेस्ला प्लेयर बुलाने लग गए हैं, बट ओरिजिनली अगर आप देखेंगे सो वॉल्वो वॉज द कंपनी जिसने वर्टिकल स्क्रीन देना शुरू किया था। नाउ डेज एवरी वन इज़ डूइंग राइट फ्रॉम ऑल द ब्रांड, करंट मॉडल भी आप देखेंगे सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास, तो उसमें फ्लोटिंग बड़ी स्क्रीन आती है। पूरा लेदर है, जेन्युइन लेदर है गाइस, ये गाड़ी एक ऐसी है आजकल सब ने लेदर देना बंद कर दिया है, बट दिस इज़ द कंपनी विच इज़ स्टिल गिविंग जेन्युइन इटालियन नापा लेदर। तो ये लेदर में भी जो सबसे टॉप नॉच क्वालिटी है नापा, वो लेदर है, एकदम सॉफ्ट है। आगे की दोनों भी सीट आप देखेंगे तो वेंटिलेटेड है, तो हीटिंग और कूलिंग फंक्शन के साथ है ये। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्लाइडर दिया हुआ है टू स्टोर थिंग्स, यहाँ पे भी आगे स्लाइडर दिया हुआ है, यहाँ पे स्टोरेज है, गियर नॉब, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर कंट्रोल्ड थ्रू दिस टच स्क्रीन। और इस गाड़ी में इतने फीचर्स है ना गाइस, मतलब मैं बताते बताते शायद बहुत सारे फीचर्स तो भूल जाऊँगा। सबसे पहले एंटरटेनमेंट, मैंने पर्सनली अभी तक इतनी गाड़ियाँ यूज़ की है,
इससे अच्छा म्यूज़िक सिस्टम कोई गाड़ी में नहीं है गाइस। 19 स्पीकर्स आप इमेजिन नहीं कर सकते, 19 स्पीकर्स दिए हुए हैं बोज एंड विल्किंस के, एंड ये ऐसे स्पीकर्स हैं जो आई थिंक बोइंग प्लेन में और उसमें इंटीरियर में यूज़ होते हैं, उस क्वालिटी के स्पीकर्स दिए, वॉल्वो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। उसके साथ साथ ग्लव बॉक्स भी है, वो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, आप उसको प्रेस करेंगे तो ग्लव बॉक्स खुलता है। वुडन भी आप देखेंगे तो प्रॉपर वुडन टेक्सचर है, ये कोई मतलब हाइड्रोग्राफिक पेंट जॉब नहीं है, इट्स अ प्रॉपर वुडन टेक्सचर विच इज इन गिवन। पीछे भी आप देखेंगे तो पूरा पैनारोमिक सनरूफ है, एकदम सेटल वे में इसमें एम्बिएंट लाइट दी हुई है। आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये लाइट आ रही है, तो एम्बिएंट लाइट से यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो पहले कर्टन खुलता है फिर पूरा सनरूफ खुलेगा। यहाँ पे भी जब आप बैठेंगे तो मुझे अभी दिखा रहे SW मीन्स साउथ वेस्ट में मैं फेस कर रहा हूँ, मतलब एक एक डिटेल्स बहुत ज़बरदस्त है गाइस। एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ फीचर्स, मतलब इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग है, पार्क असिस्ट है। तो गाइज़ अगर आपको ऑटो पार्क करने हैं, 2016 की गाड़ी में ये फंक्शन अवेलेबल है। अगर आप पैरेलल पार्किंग करना चाहते हैं तो आप गाड़ी बस वहाँ पे लेके जाइए, पार्क असिस्ट है का बटन दबाइए, गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी। प्लस रोड साइन इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और स्पीड लिमिट कहीं पे है, कहीं पे स्कूल है, कहीं पे हॉस्पिटल है, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी दिखता है, यहाँ पे भी दिखता है। प्लस यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया हुआ है हेड्सअप डिस्प्ले, उसमें भी दिखता है कि ये स्पीड लिमिट है, आप इसको क्रॉस मत करिए। अगर 60 की स्पीड लिमिट है, आप 60 के ऊपर है तो ब्लिंक करने लगता है कि आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। पार्क इन पार्क आउट जो मैंने आपको कहा वो है, कैमरा है इसमें पूरा 360 कैमरा भी इसमें दिया हुआ है। प्लस वन ऑफ द बेस्ट फीचर, अगर मैं यहाँ पे बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे हेडरेस्ट थोड़ा भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं अगर ये हेडरेस्ट फोल्ड का बटन दबाऊंगा तो जितने भी हेडरेस्ट है वो सब फोल्ड हो जाते हैं, तो इससे मुझे विजिबिलिटी का भी इशू नहीं आता है। हेड्सअप डिस्प्ले एडजस्टमेंट है, बहुत सारे फीचर्स है गाइज इसमें, कॉर्नरिंग लाइट्स है, प्लस ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, आपका लेन डिपार्चर हेल्प, मतलब जो भी कुछ आप सोचेंगे वो सब कुछ इसके अंदर है। एंड फॉर द कंफर्ट गाइस, चारों सस्पेंशन एयरमेटिक सस्पेंशन है एंड द राइड क्वालिटी इज टू गुड। आपको लगता होगा कि मतलब वॉल्वो में कैसा होगा क्या होगा, बट वॉल्वो इज़ द कार विच मेक्स वन ऑफ द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। सो गियर में भी आप देखेंगे तो इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड भी दिया हुआ है, सो वॉल्वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, वो कभी भी इसको स्पोर्ट्स मोड नहीं बोलता है बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स कार। सो अकॉर्डिंग टू देम दे हैव गिवन अ मोड विच इज़ कॉल्ड डायनामिक मोड, तो डायनामिक मोड को एक्चुअली स्पोर्ट्स मोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें गाड़ी का पूरा स्पीड और ओवरऑल एवरी थिंग गेट्स एडजस्टेड फॉर द वेरी स्पोर्टी ड्राइव। तो एज आई सेड द कार इज़ इन नीट कंडीशन, कहीं पे भी कोई भी चीज़ का कोई डैमेज नहीं है, कहीं पे भी कोई ख़राब नहीं हुआ है, ईच एंड एवरी थिंग इज़ फंक्शनिंग। एंड फ्यू मोर फीचर्स ऑफ दिस कार, ये ऐसा है कि ब्रेक असिस्ट तो है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अपने हिसाब से ब्रेक मारती है, बट उसके रडार्स आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे इतना बड़ा जो बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर सब सेफ्टी रडार्स दिए हुए हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है कि अगर आप ये गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही है और कार को लगता है कि पीछे वाली गाड़ी अभी आपको शायद ठोकने वाली है, इतनी नज़दीक आ गई है, तो पूरी गाड़ी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है उस एक्सीडेंट को झेलने के लिए। तो आपके सीट बेल्ट टाइट हो जाएंगे, बाकी सारे फंक्शंस जो सेफ्टी फीचर्स है उसको अलर्ट हो जाएगा, तो गाड़ी इसीलिए वर्ल्ड की सेफेस्ट कार मानी जाती है। प्लस इसमें और एक फंक्शन है जो आई डोंट थिंक कि किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, अगर समझो किसी रीज़न से आपकी गाड़ी ऊपर से नीचे गिर रही है फ्लाईओवर से या कहीं से भी, और उसको पता है कि अभी गाड़ी ऐसे नीचे आ रही है और गिरने वाली है और ज़मीन पर पटकने वाली है, तो उस टाइम पे सीट्स के यहाँ पे एक स्प्रिंग दिए हुए हैं, वो स्प्रिंग एक्टिवेट होता है तो आपके जो बैक है उस पर इम्पैक्ट थोड़ा कम आता है। तो ये सारी चीज़ें आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी सोचती है, बट इट्स अ कंपनी लाइक वॉल्वो जो इसको सोचती है और इसके बारे में ये सब काम करती है, इसीलिए इनकी गाड़ियाँ थोड़ी सिंपल होती है, नो नॉनसेंस होती है, बट बहुत प्रैक्टिकल होती है, बहुत ज़्यादा सेफ होती है। सो हमने सोचा आपको जो टच स्क्रीन है उसके अंदर के जो जो फंक्शंस है उसको थोड़ा डिटेल में बताएं। सो फर्स्ट थिंग इज़ आप जब फर्स्ट स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे ऑडियो के लिए AM/FM CD ब्लूटूथ ऑक्स ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। आप कार स्टेटस में जाएंगे तो आपको कार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बता देगा, तो अभी आप देखेंगे तो इसमें कोई भी एरर मैसेज नहीं है कार, वरना इसमें कार स्टेटस में एरर मैसेज आता अगर कहीं पे भी कोई इशू होता। तो स्टेटस भी आप देखेंगे तो ऑयल लेवल भी परफेक्ट है, TPRMS सेंसर्स भी आप देखेंगे तो परफेक्ट है, जितनी भी चीज़ें 37-36 पे है। सर्विस भी अगर इसका हम देखेंगे तो अभी ड्यू है नहीं, तो सर्विस के लिए भी वो बता नहीं रहा है, टू बी सर्विस्ड इन 197 डेज, तो सर्विस भी अभी इसकी ड्यू नहीं है। तो ये एक है। सेकेंड स्क्रीन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ESC स्पोर्ट मोड है, लेन डिपार्चर वार्निंग वाला फीचर है,
पार्क असिस्ट है कि अगर गाड़ी में चारों तरफ सेंसर लगे हुए हैं तो कहीं से भी कोई भी नज़दीक आता है तो इसमें सेंसर्स बजते हैं, प्लस वो जो सेंसर का वॉल्यूम है आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन है, वो है, हेड्सअप डिस्प्ले है, रोड साइन इन्फॉर्मेशन कैमरा भी है इसमें, तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो रेयर कैमरा आ जाएगा। पार्क इन पार्क आउट, ये सेल्फ पार्किंग का फीचर है, तो अगर आप किसी भी जगह पे नैरो पार्किंग है, पैरेलल पार्किंग करनी है, तो आप एक जगह पे रुका के साइड में पार्क इन करेंगे दो गाड़ी के बीच में, तो ये गाड़ी अपने आप उसको पार्क कर देती है, और अगर आपको वहाँ से गाड़ी निकालनी है तो वहाँ से वो पार्क आउट भी करती है। हेडरेस्ट फोल्ड का एक फीचर ऐसा है, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और रेयर व्यू मिरर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हेडरेस्ट बीच में आ रहे हैं, तो अगर मैंने ये बटन दबाया तो रेयर जितने भी हेडरेस्ट है बीच के वो फोल्ड हो जाते हैं। हेड्सअप डिस्प्ले भी है इसमें। एडजस्ट पैसेंजर सीट, अगर मैंने इस बटन को दबाया यहाँ पे तो मैं मेरे सीट का अगर कुछ भी फंक्शन करूँगा तो ये सीट एडजस्ट होती है, तो यहाँ पे जो मेरे बटन से मैं उसको कर रहा हूँ बट एक्चुअली सीट ये मूव हो रही है, वो है। रिड्यूस गार्ड का फीचर है, प्राइवेट लॉकिंग है अगर आपको सर्विस में देना है गाड़ी का, ये सब फीचर्स को लॉक करना है। कॉर्नरिंग लाइट्स भी है, तो आप जहाँ पे भी टर्न लेंगे वो हिसाब से वहाँ की लाइट को ऑन करता है। एक्टिव बेंडिंग लाइट्स है, प्लस वाइपर सर्विस पोजीशन, अगर आपकी वाइपर के भी आपको पोजीशन में कुछ ऑल्टरेशन करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एसी के फंक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको ऑटो क्लाइमेट है, एसी, फ्रंट रेयर मैक्स, जो भी चीज़ चाहिए। लास्ट रो का एसी हमेशा बंद रहता है, तो आपको अगर उसको ऑन करना है तो यहाँ पे एक बटन है, आप उससे ऑन कर सकते हैं, कि थर्ड रो क्लाइमेट, तो आप उससे ऑन कर सकते हैं, बट उसका भी फीचर दिया हुआ है कि अगर आपको हमेशा ऑन रखना है तो क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी जो यहाँ पे है, अब मैं और कुछ एडिशनल बताता हूँ। तो जैसे मोबाइल में सेटिंग होती है वैसे इसमें भी एक सेटिंग का बटन दिया हुआ है। अभी इसके अंदर इतने सारे फिर से फंक्शंस दिए, अभी जैसे कि माई कार है, मैं उसके अंदर जाऊँगा तो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले थीम है, सो डिस्प्ले के जो थीम्स है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे तो मैंने ग्लास कर दिया है तो वो रिंग हट गई, मिनिमलिस्टिक करूँगा तो वो रिंग भी हट जाएगी, परफॉर्मेंस करूँगा तो पूरा रेड हो जाएगा, और ये जो चेंजेस वहाँ पे आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर पे वो यहाँ की स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। अगर मेरे को क्रोम रिंग चाहिए तो वो भी चेंज कर सकता हूँ वहाँ पे भी। अगर आप देखेंगे तो बीच में जहाँ पे अभी गाड़ी दिख रही है वो जैसे ही हम लोग सीट बेल्ट पहन लेंगे तो वो हट जाएगी और वहाँ पे नेविगेशन आएगा। प्लस ये वाली स्क्रीन पे भी अगर आपको चाहिए कि आपको फुल टाइम नेविगेशन रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। हेड्सअप डिस्प्ले ऑप्शन भी है कि हेड्सअप में आपको क्या क्या देखना है, तो अगर नेविगेशन देखना है तो हेड्सअप डिस्प्ले पे नेविगेशन भी दिखाएगा, रोड की साइन इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, ड्राइवर सपोर्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ है, अगर मुझे चलाते वक्त थोड़ी नींद आ रही है तो वो भी उसमें अलर्ट आएगा कि भाई आपको ब्रेक लेना चाहिए साइड में रुक के, तो वो सारी चीज़ें भी है। इंडिविजुअल ड्राइव मोड, तो आपको जो भी ड्राइव मोड को आपके हिसाब से एडजस्ट करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। स्टेयरिंग का फोर्स, लो, मीडियम, हाई, ड्राइवर डिस्प्ले, इको, कम्फर्ट, डायनामिक, मतलब इतने सारे फीचर्स दिए ना कि आई थिंक मैं जितना भी बताऊंगा कुछ ना कुछ डेफिनेटली भूल जाऊंगा इसमें। लाइट्स के रिलेटेड भी, एक्सटीरियर लाइट्स में भी आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं वो है, प्लस इंटीरियर लाइट में भी आपको चाहिए तो एम्बिएंट लाइट के लिए भी इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हैं और कौन से कलर और उसका कितना इंटेंसिटी आपको रखना है वो भी इसमें अवेलेबल है। मिरर्स एंड कन्वीनियंस, तो मिरर के लिए ऑटो फोल्ड रखना है, नहीं रखना है, दरवाज़ा भी खुलना है तो फर्स्ट टाइम में आप खुलेंगे तो सिर्फ ड्राइवर का खुलना चाहिए कि चारों खुलना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी इसमें अवेलेबल है। पार्किंग ब्रेक, सस्पेंशन, तो उसके लिए भी दिया हुआ है कि आपको ऑटो पार्किंग ब्रेक ऑन रखना है कि नहीं। डिसेबल लेवलिंग कंट्रोल, तो आपको सस्पेंशन का लेवलिंग कंट्रोल जो होता है कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी थोड़ी नीचे होती है, स्टार्ट करने के बाद ऊपर आती है, ये लेवलिंग कंट्रोल अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वाइपर्स का भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि रेन सेंसर मेमोरी रखना है कि नहीं रखना है, पीछे का भी ऑटो में रखना है नहीं रखना है, तो बहुत सारे फीचर्स है गाइज इस गाड़ी में। आई एम 100% श्योर कि अभी भी मैं जितना बता रहा हूँ उसमें भी कुछ ना कुछ छूटा है। ये मीडिया रिलेटेड है, ये कम्युनिकेशन रिलेटेड है, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ, वाईफाई, सब कुछ इसके अंदर है। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे सब दिया हुआ है, तो एयर क्वालिटी सेंसर्स दिए हुए हैं इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें है गाइज इसके अंदर। आप ये जब गाड़ी लेंगे तब आपको ये सब चीज़ें समझने में भी काफ़ी टाइम जाएगा क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि आई थिंक काफ़ी गाड़ियों में ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस कार। मतलब वॉल्वो XC90 एक ऐसी गाड़ी है जो सेफ्टी फीचर्स के ऊपर इतना ध्यान देती है कि अदर मैन्युफैक्चरर्स शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम देम। फ्रंट सीट्स के लिए आप देखेंगे तो मेमोरी फंक्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया है, वहाँ पे भी दिया हुआ है, और ये सब स्पीकर के आप कवर देखें कि मेटल के, मतलब कौन देता है आज की तारीख में, प्योर मेटल में बनाया हुआ है। यहाँ पे भी प्रॉपर स्पीकर की जो ग्रिल है वो प्योर मेटल में, आजकल सब प्लास्टिक देते हैं तो वो दिया हुआ है। ये सब, मतलब लुक एट द फिट एंड फिनिशिंग, इट लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम।
तो ये तो मैंने आपको फ्रंट का बता दिया, अभी हम इसके पीछे की सीट में जाके देखते हैं कि पीछे क्या क्या दिया हुआ है। सो अंदर भी जब आप बैठेंगे तो प्रॉपर थ्री सीटर है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही लोग को बैठने का, यहाँ पे भी कोई बड़ा टनल नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से आप बैठ सकते हैं। अगर दो जन बैठेंगे तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया हुआ है, प्लस ये जो सीट्स है वो भी आप रिक्लाइन एंगल इसका सेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है कि आपको अगर थोड़ी बहुत रिक्लाइन करनी है या आगे पीछे करना है तो वो भी अवेलेबल है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये सब नापा जेन्युइन लेदर में दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे इनबिल्ट ऐसे कर्टन्स दिए हुए हैं तो वो भी है, पिलर पे भी एसी है, प्लस स्पीकर्स तो मैंने आपको कहा 19 स्पीकर्स है, तो बहुत सही। यहाँ पे एसी के फंक्शन सब यहीं पे है, तो इट्स अ 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, तो चारों जगह का आप अपने हिसाब से एसी कर सकते हैं। यहाँ पे सब चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल सीट्स दैट एनी वन हैज़ डिज़ाइन। क्योंकि वॉल्वो एक ऐसी कंपनी है ना कि जब वो सीट्स भी बनाती है तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट करके सिर्फ सेफ्टी और कंफर्ट के हिसाब से बनाती है, ये नहीं कि गाड़ी दिखनी अच्छी चाहिए। तो इनका फोकस बहुत क्लियर है कि इनको गाड़ी बहुत अच्छी दिखानी है, इंटीरियर बहुत अच्छा दिखाना, वैसा नहीं है। हर चीज़ में उन लोग साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं। तो जब सीट्स भी डिज़ाइन की तो उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट करके इसका डिज़ाइन अप्रूव करवाया। तो आप देखेंगे तो हेडरेस्ट भी यहाँ पे देखेंगे तो एकदम पतले हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं एंड ऑल दैट जस्ट टू शो गुड, बट नहीं, ये एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल। तो मुझे वॉल्वो के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि वॉल्वो हर एक चीज़ को सेफ्टी एंगल से पहले देखता है, एंड इसीलिए ये गाड़ी मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको एकदम सेफ्टी की प्रायोरिटी है प्लस दिखने में भी कुछ यूनिक चाहिए बाकी सब गाड़ी से हट के, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिसका। पीछे भी दो सीट्स है, उसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, ये प्रॉपर 7-सीटर है, पीछे की सीट में भी काफ़ी अच्छी जगह है। तो वंस अगेन मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 2016 की है, सिंगल ओनर है, ओनली 47,000 किलोमीटर चली हुई है, एंड दिस इज़ अवेलेबल विथ ऑटो ऑनर्स कार्स एक्सक्लूसिवली, आपको और कहीं ये गाड़ी देखने नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये गाड़ी खरीदने में इंटरेस्ट है तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या उस पर कॉल भी कर सकते हैं, द नंबर इज़ 8552909090। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सब्सक्राइब टू दिस न्यू चैनल ऑफ ऑटो राउंडर्स कार्स, एंड हमारे नए पेज ऑटो राउंडर्स कार्स को भी फॉलो करिए। और वर्ल्ड की सेफेस्ट कार अगर आपको चाहिए तो आप आके ले सकते हैं, एंड आई डोंट थिंक मार्केट में बहुत ज़्यादा वोल्वो XC90, क्योंकि लोग बेचते ही नहीं हैं, और ये सबसे कम चली हुई कार है जो आज की तारीख में आपको मार्केट में मिलेगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कनेक्ट विद अस इफ यू वांट टू बाय दिस कार। थैंक यू।